रिगार्डिंग सम क्रीम, और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लिक बिट है, तो हम वो चेक करते हैं और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हम कौन से क्रीम की बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है क्लिक बिट है। और आपने अगर इसको ट्राई किया है तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि ये आप पे असर हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम चेक करते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट है इसका। एनीवेज मैंने यहाँ पे ना सारे इंग्रेडिएंट्स इसके लिख के रखे हुए हैं। इसमें हमें जो सामग्री चाहिए, और आपने ये जैपनीज क्रीम के बारे में बहुत सुना होगा जो स्किन वाइटनिंग होता है, बट आई फील कि स्किन जो है वो हम जो जिस स्किन के साथ बॉर्न होते हैं उसे हम नो स्किन केयर करके उसे मेंटेन करके रख सकते हैं, पर जो स्किन के साथ आप बॉर्न हुए हैं वो चेंज नहीं हो सकता। ऐसा मेरा सोचना है और मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर कोई ब्राउन स्किन डार्कर ब्राउन के साथ जन्ना है तो उसे चेंज नहीं कर किया जा सकता। हाँ, अगर डी टैन है उसे टैन है जो उसको डी टैन हो सकता है, या स्किन थोड़ा सा चेंजेस और शाइन लाने के लिए जो क्रीम बने हैं वो हम इस्तेमाल करके अपना स्किन को जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। बट स्किन ओवरऑल आपका ना वाइट हो जाएगा, भूरा भूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वी इंडियंस आर बॉर्न विद ब्राउन स्किन। सो लेट्स चेक, ये क्रीम के बारे में मैंने भी बहुत सुना है कि ये क्रीम के वजह से जो स्किन में शाइन आती है या फिर जो भी ये लोग बोल रहे हैं कि वाइट हो जाती है, तो हम वो चेक करेंगे। वो क्रीम जो है होममेड है, इसमें बताया जा रहा है कि ये हम घर पर भी बना सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे बना भी रही हूँ और आपको ऑन द स्पॉट दिखा भी रही हूँ। पर जो जो वीडियोस मैंने देखे हैं ना यहाँ पे, उन्होंने लगाने के बाद उसके रिजल्ट्स नहीं दिखाए हैं, तो मेक श्योर करती हूँ कि मैं आपको रिजल्ट दिखाऊँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इन वीडियो, दिस वीडियो, आर यू रेडी? कम। ये है वो वीडियो जो मैं बताने जा रही हूँ। लुक एट दिस, कि वो लोग कैसे बता रहे हैं पहले। ये पूरा मुझे क्लिकबेट लग रहा है, डी टैनिंग के लिए हो रहा है डी टैनिंग। और अगर आप ये जैपनीज क्रीम के बारे में मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मेरा एक टिप ये है कि ये जैपनीज क्रीम है और जापान का स्किन टोन अलग होता है और इंडियन स्किन टोन अलग होता है और अलग अलग कंट्री के उन लोग के स्किन टोन अलग होता है, तो उस हिसाब से ये क्रीम जो है उनके वो डिज़ाइंड रहेंगे। एंड आई थिंक ये डी टैनिंग के लिए काम आ सकता है, बट लेट्स सी हाउ इट इज बीन प्रिपेयर्ड। एंड आई एम स्टार्टिंग विद दिस वीडियो ऑफ प्रिपरेशन, लेट्स स्टार्ट। आपको जो इंग्रेडिएंट है वो मैं मिलाते जाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मेरे पास है 24 आवर सोक्ड राइस, 24 आवर चाहिए और उसको फर्मेंट करना ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने ये डाव बॉडी वॉश लिया है। यहाँ पे जो हम वीडियो देख रहे थे उन्होंने एनी सोप भी कहा है, कोई सोप, और जो भी वीडियो मैंने देखा उन्होंने डाव का प्रोडक्ट यूज़ किया है, डाव सोप। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक कंटेनर लिया है क्योंकि कहते हैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हम ब्लेंड करते हैं तभी स्टील के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए जब हम उसे मिक्स करते हैं। यहाँ पर मैंने स्टील में उसे सोक करके रखा है तब नहीं, जब हम मिलाते जाते हैं तब। तो मेरे पास अभी प्लास्टिक का मैंने लिया है, आप कोई ग्लास का कंटेनर भी ले सकते हो। ये मेरे पास जो राइस था 24 आवर्स सोक्ड, उसको आप एक चन्नी में लीजिए, उसे स्ट्रेन कीजिए, और मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है क्योंकि उसकी पार्टिकल्स गिर नहीं रहे थे। उसके बाद जो आप सोप ले रहे हैं वो डव का सोप अगर आप ले रहे हैं उसे ग्रेट करके लीजिएगा। मेरे पास डव का बॉडी वॉश है तो मैं बॉडी वॉश ले रही हूँ।
बॉडी वॉश लेने के बाद उसे मैं मिक्स करूँगी। जैसे आप सोप ग्रेट करके मिक्स करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ओवरऑल सेम ही होता है आपका बॉडी वॉश और सोप डव का एटलीस्ट। अदरवाइज अदर सोप लोगे तो उसमें सल्फाइड होते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जैसे वीडियो में कहा गया था कि डव का प्रोडक्ट लो, तो आप डव का ले लीजिएगा। यहाँ तो मैंने मिक्स कर दिया है, मुझे बड़ा इजी लगा इसे मिक्स करने के लिए और इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, क्योंकि मैंने सोप के बदले बॉडी वॉश लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट लेना है वो है मिल्क पाउडर। मैं एक टेबल स्पून जितना ले रही हूँ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद ये इतना काम नहीं आने वाला है मुझे, क्योंकि ये मैंने एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, तो मुझे ये इतना हैपनिंग नहीं लग रहा था। तो मैं 1 टेबल स्पून जितना ले रही हूँ और इसे मिक्स कर रही हूँ। ये थोड़ा घुलने में टाइम लगता है, इसमें बॉल्स होते हैं, जैसे कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट आप मिक्स करते हो तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर दीजिएगा, इसमें कोई गांठें नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो हम इंग्रेडिएंट लेंगे वो है कॉर्नस्टार्च। आपको अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे जैसे मैं ऐसे मिक्स कर रही हूँ, आप इंग्रेडिएंट लिख के रख सकते हो। ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं लग रहा है इसमें, मिनिमल इंग्रेडिएंट है। यहाँ पर मैं अब मिलाने जा रही हूँ कॉर्नस्टार्च। ये मैं कॉर्नस्टार्च मिक्स कर रही हूँ इसमें, जैसे कि मैंने कहा कि कोई ड्राई इंग्रेडिएंट लिक्विड के साथ मिक्स करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, और इसमें कांटे नहीं होने चाहिए। ये आपको अभी बहुत ही रनी लिक्विड मेथड में दिख रहा है, बट इसे गाढ़ा करने का मेथड डिफरेंट है। आप में से कुछ लोगों ने देख लिया होगा ये वायरल वीडियो, बट इसमें थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। इसे गाढ़ा करो, फिर उसे ठंडा करो एंड उसे अप्लाई करो। थोड़ा टाइम तो कंज्यूमिंग है, मुझे ऐसे लग रहा है। आपका जो भी ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आपका रिव्यू। ज़रूर वेट करूँगी मैं, और ये आपसे बात करते करते कि सारा गोल मिल गया है। ये मुझे कोई सर्फ का पानी जो होता है ना, वैसे ही फील हो रहा है अभी तक। और यहाँ पे मैंने लेमन वाटर, जो लेमन जूस है, वो उसे निकाल कर रखा था, तो मैंने हाफ लेमन जूस इसमें डाला है। लेमन सिट्रिक एसिड है, ये स्किन में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप ऑरेंज का जो जूस है वो मिला सकते हो। अभी ये गाढ़ा करने का मेथड है, गैस आपको धीमे रखना है और इसे कंटिन्यूसली हिलाना है। अब कंटिन्यूसली इसको आप स्टोर नहीं करेंगे ना तो नीचे लग जाएगा। द चांसेस इज दिस प्रोडक्ट विल बर्न, यू हैव टू कंटिन्यूसली स्टोर एंड लुक द टेक्सचर इज टर्निंग आउट थिकर। लग रहा है ना, गाढ़ा लग रहा है अभी। ये ऑलमोस्ट रेडी है आपके स्किन पे अप्लाई करने के लिए। आप और थोड़ा घोलेंगे तो और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, बट आपको याद होगा कि मैंने सोप इस्तेमाल नहीं किया था यहाँ पे। ऑलमोस्ट सब कुछ लिक्विड था, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट छोड़कर। इसके लिए ये टेक्सचर थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा और सोप का टेक्सचर आपको डिफरेंट लगेगा। चलिए, ठंडा करने के बाद मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। ये जो हमने क्रीम बनाया है उसे ठंडा करके मैंने एक कंटेनर में ले लिया है। एंड नाउ माय स्किन टोन इज़ ब्राउन इन कलर, आई मीन आई एम नॉट फेयर, नॉट डार्क, एंड इन मिडिल स्किन टोन, मिडिल रेंज ऑफ स्किन टोन इन इंडियन कलर। सो लेट्स चेक कि ये कैसे काम कर रहा है और मेरा स्किन टोन करेक्ट है इस क्रीम को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसे वो वीडियो में कहा गया कि ये फेशियल के जिसे मसाज करना है और इसे एटलीस्ट 20 मिनट्स रखने हैं, तो मैंने एक फिंगर छोड़ दिया है ताकि
ताकि हमको डिफरेंस पता चले। सो यहाँ पे मैं मसाज कर रही हूँ, अभी तक मेरे को जैसे मैंने वीडियो में देखा था ना वैसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बट हाँ, आपको क्लीनअप की ज़रूरत है या फिर कोई स्क्रबिंग की ज़रूरत है तो एक आध चीज़ इसमें मिला के आप स्क्रब कर सकते हो। सो गाइस, आपको कैसा लगा ये वीडियो जो मैंने अभी बनाया है और इस जापानीज क्रीम के लिए लेकर? आप मुझे आपका रिव्यू ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में बताइए। मुझे तो ये सीधा क्लिकबेट लग रहा है, इट्स इन क्लिकबेट ये वर्ड। जैसे कि मैंने पहले भी अभी कहा थोड़ी देर पहले कि ये डी टैनिंग के लिए ओके है अगर कोई किसी का डी टैनिंग है, बट एक दिन में नहीं होगा। इसमें ये वीडियो में कहा है कि वीक में ट्वाइस उसको यूज़ करने से आपको बेस्ट रिजल्ट आते हैं। बट अगर इतना मुझे करने के बाद उसे स्टोर करना पड़ेगा फ्रिज में एंड ये सब करना पड़ेगा, ऐसे बेटर है कि मैं रेडीमेड क्रीम ना ले लूँ। बट अगर रेडीमेड क्रीम लेकर भी मुझे ये सेम इफेक्ट नहीं मिल रहा है देन इट्स टोटली रॉन्ग। एंड दिस वीडियो जिन्होंने भी बनाया है ट्रेंडिंग वीडियो है, ये वायरल वीडियो है, आप भी ट्राई कीजिए और ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में बताइए। मुझे तो ये फ्लॉप लग रही है, इतना मैं तामझाम नहीं करूँगी एक क्रीम को बनाने में और उसे स्टोर करने में। इससे अच्छा तो मैं डी टैनिंग का क्रीम खरीद के लेकर आऊँ और वो इस्तेमाल करूँ। एंड आई एम नॉट इन टू द जापान वाला स्किन टोन, आई एम बॉर्न इंडियन स्किन टोन, तो ये क्रीम तो यहाँ पे काम नहीं करेगी। बट हाँ, डी टैनिंग के लिए हो सकता है, बट ये मैं इस्तेमाल करूँगी तभी जाके आपको रिव्यू कर सकती हूँ। सो टिल देन, बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योरसेल्फ एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।